नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम साप्ताहिक राशिफल में मिथुन लग्न वालों के लिए 15 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल का जो ये वीक रहने वाला है, जो सप्ताह रहने वाला है, क्या कुछ समाचार लेकर के आएगा, क्या कुछ एहतियात बरतनी है और किस जगह पर जो है आपको खुशियां प्राप्त हो सकती हैं और कहां एहतियात बरतनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मिथुन लग्न वालों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो वीक है, जो सप्ताह है, ये आपके लिए प्रेम प्यार, रोमांस, लग्जरी, कंफर्ट सब कुछ लेकर के आ रहा है। काफ़ी अच्छा समय हफ्ता आपके लिए रहने वाला है। वीक काफ़ी प्रोग्रेसिव वीक है, बहुत लाभ इस वीक में आप कमाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम जो इस अप्रैल महीने का जो ये वीक हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 15 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल की बात करेंगे। उसमें भी सबसे पहले मैं 15 अप्रैल की बात करूँगा, आज की बात करूँगा, और ये शाम के 6 बजे तक रहने वाला है ये जो समय है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये आपको अपनी थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना है। शाम के 6:42 तक थोड़ा हेल्थ संबंधी इश्यूज आपको यहाँ हो सकते हैं। आपके एनर्जी लेवल थोड़ा सा आप डाउन महसूस करेंगे क्योंकि आपके अच्छे स्थान से जो है समय गोचर नहीं हो रहा है, तो एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहेगा। अपने को मोटिवेट करें आप, और थोड़ा मन में जो है वो आपको कॉन्फिडेंस कम दिखाई देगा, या किसी न किसी दिक्कतें परेशानियाँ थोड़ी 6:42 तक आपको देखने को मिल सकती हैं 15 अप्रैल को। उसके बाद जैसे ही 15 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल का टाइम है, 15 अप्रैल में जैसे मैंने आपको कहा 6:50 से शुरू हो जाएगा और ये आपके 17 अप्रैल को शाम 8:50 तक रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा लक्की टाइम है आपके लिए, बहुत शुभ समय है आपके लिए। ये जो दिन है, 3 दिन जो है आपके लिए, कुछ भी अगर आप इस समय नया करना चाहते हैं तो आप कर डालो। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ दे रहा है और किसी न्यू रिलीजियस यात्रा पे जाने का योग आपको इस समय बन सकता है। कोई ट्रैवलिंग का ये बहुत अच्छा समय हो सकता है, और बाहर के लिए कहीं आपने फॉरेन जाना है, उसके लिए कोई वीज़ा लगाना है, डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं, तो इस समय पे आप कीजिए। 15 अप्रैल से 17 अप्रैल के लिए फॉरेन संबंधी कामों के लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए आप करना चाहते हैं, यात्राएँ करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि रिलीजियस जर्नी है, तीर्थ यात्राएँ हैं, तो इस समय पर आप कीजिए। और इन 3 दिनों में अगर आप कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल लैंग्वेज हो, आध्यात्मिक लैंग्वेज हो, कोई नया कोर्स करना चाहते हो, योगा का कोर्स करना चाहते हैं, मेडिटेशन का कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज में आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, जर्मन सीख रहे हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो इस समय का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए भी। ये 3 दिन बहुत उत्तम बने हैं, फोकस रहेंगे आप, पढ़ाई कीजिए और भाग्य इस समय कुल मिलाकर के आपका साथ देगा। और चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है, पैसे, फाइनेंशियल गेन भी इस समय आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर मिल सकता है। और इस समय अगर आप अपने फादर को विजिट करना चाहते हैं, उनसे मिलना जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। फादर से संबंध इस 3 दिनों में बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके। उसके बाद जो 3 दिन और आएंगे आपके 17 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के जो दिन है, ये 3 दिन में इसमें आप 17 अप्रैल से 8:51 शाम से शुरू होगा और 19 अप्रैल को रात के 12 बजे तक, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ समय आपके लिए, क्योंकि इस समय आपके हाउसेज में गज केसरी नामक योग बन रहा है 10th हाउस में। बहुत अच्छा समय इस समय चल रहा है, तो ये समय है टाइम फॉर वर्क, काम करने का ये समय है। इस समय आपको काम के लिए आगे बढ़ना है क्योंकि काम के लिए बहुत अच्छा है। हर काम में आपको इस समय तरक्की मिलेगी, प्रोफेशन वाइज जो है वो आपको ग्रोथ मिल सकती है। इन तीन दिनों में आपके काम को रिकॉग्निशन मिलेगी, जो भी काम करेंगे उसको सराहना होगी बॉस के द्वारा, और उसी दौरान फाइनेंशियल इंक्रीमेंट भी आपको लग सकती है। नई जॉब इन 3 दिनों में आपको लग सकती है, क्योंकि चंद्र और गुरु जैसे मैंने आपको कहा कि आपके साथ बैठे हुए हैं, 22 अप्रैल को यहाँ से चले जाएंगे, परंतु उससे पहले आपको कुछ ना कुछ जरूर देके जाएंगे। जॉब प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, और कोई शुभ समाचार इन 3 दिनों में आपको मिल सकता है। जॉब से रिलेटेड कोई यात्राएं आपकी हो सकती है, जर्नी के लिए आपको जाना पड़ सकता है, और वो सब होगा जॉब और व्यापार के लिए। व्यापार से संबंधित यात्राएं होगी, या आपका रोजगार है, प्रोफेशन है, उसमें आपको करना पड़ सकता है। और इस दौरान कोई ना कोई धार्मिक कार्य भी आप करते हुए नजर आएंगे, जैसे कोई यज्ञ है, अनुष्ठान है, जप है, तप है, कोई भागवत है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस दौरान आप करते हुए नजर आएंगे। योगा मेडिटेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, और कोई इस समय अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं इस तरह के कोर्सेज पे, तो आप उसको कीजिए। व्यापार में तरक्की की ये 3 दिन आपको रहने वाले हैं मिथुन लग्न वालों को 17 अप्रैल से 19 अप्रैल। और उसके बाद जो अगला 3 दिन है 19 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल, 19 अप्रैल में रात के 12 बजे से शुरू होकर के 22 अप्रैल के शाम सुबह के 5 बजे 22 अप्रैल तक आपको जो है
कहीं ना कहीं से पैसा आने का योग बन रहा है। कोई पैसा किसी के पास आपका है और वो पैसा नहीं दे रहा था, तो इस समय वो पैसा आपको मिल सकता है। उसके अलावा फाइनेंशियल गेन होने के चांस है, कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ सकती है, आय के स्रोत इस समय बढ़ेंगे। कोई फ्रेंड है आपका, कोई आपको अचानक कोई फ्रेंड मिल सकता है जो आपकी मदद करेगा, फाइनेंशियली मदद कर दे, और अच्छे मित्रों का संग आपको इस समय मिलेगा। पार्टी पे जाना चाहते हैं, पार्टी के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। और सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है इस समय, जो आपका बहुत अच्छा मित्र बनेगा और फाइनेंशियली आपको लाभ दिलाएगा। उसके अलावा जो वर्चुअल वर्ल्ड में या आईटी फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उस दौरान जो है वो वहाँ से पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हुए नजर आएंगे इस तरह की साइट से। तो फ्रेंड्स का साथ मिलेगा, सोशल नेटवर्किंग साइट से आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। और इन समय जो 3 दिन हैं, ये आपको पूर्ण रूप से धन कमा करके दे जाएंगे। और इस समय रेज योर अपनी स्पिरिट को आप थोड़ा ऊंचा बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, और कहीं ना कहीं से जैसे मैंने आपको कहा कि एक्स्ट्रा सोर्स के इनकम या आय बढ़ने के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं इन 3 दिनों में, 19 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल को। क्योंकि इस दिन जो है अमावस्या का भी ये समय बन रहा है, चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे हैं, तो इस समय जो है आध्यात्मिक वर्ल्ड में एक्सेल करने के लिए मेडिटेशन हो गया, या उसके अलावा आप योगा करते हैं, या और भी कोई ओकल्ट से रिलेटेड कोई भी कार्य है आपका, मंत्र सिद्धि है, तो इन 3 दिनों में कीजिए। क्योंकि इस समय जो होता है मन बहुत काम स्टेट में होता है, बहुत शांत अवस्था में होता है, मन में भ्रम की स्थिति जो है वो बहुत कम होती है। तो अमावस्या वाला दिन इसीलिए जो है वो इस तरह की विद्याओं को या इस तरह की गूढ़ चीज़ों को जानने का बहुत अच्छा समय होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, और यही 3 दिन जो होगा आपको इनकम भी लेकर के आएंगे और आय के स्रोत आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये था साप्ताहिक राशिफल मिथुन लगन वालों के लिए 15 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल के तक। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।